और धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत अरौद से नया मामला सामने आया है, जहां शासकीय भूमि में नवीन पंचायत भवन का निर्माण कार्य में कुछ ग्रामीणों द्वारा भूमि को अपना बताते हुए अतिक्रमण कर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। तो पंचायत निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे को पाट कर बाधा उत्पन्न करने की जानकारी मिली है, जबकि दूसरी ओर जनपद पंचायत एवं तहसीलदार के आदेश के बाद भी पंचायत भवन निर्माण में व्यवधान डालने वालों के शिकायत के लिए पंचायत प्रतिनिधि कलेक्टर कार्यालय व अन्य सरकारी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। सूत्रों की माने तो पूरे मामले में सत्ता पक्ष के बड़े नेता का संरक्षण होने की वजह से भवन निर्माण बाधा डालने वाले की जगह पंचायत प्रतिनिधियों को गलत साबित कर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये टेढ़ा वाला एक साथ रहेगा ना? हाँ ठीक है। शासन के आगे में प्रशासन जो है एक कठपुतली की तरह कार्य कर रही है। बार बार ये लोग कलेक्टर महोदया है, जिला पंचायत सीओ महोदया है और तहसीलदार साहब है, ये सब हमको इधर उधर घुमाने की बात कर रहे हैं और ये केवल भाजपा के दबाव में हो रहा है ये कार्य, और वहाँ कार्य होने नहीं दे रहा है ये लोग। हम जहाँ भी जाते हैं शुरू दिन बोलता है कि आपका कार्य हो जाएगा, काम हो जाएगा, शासकीय भवन जो बनाना है वो शासकीय भूमि पर ही बनेगा। यदि हम शासकीय भूमि पर यदि भवन का निर्माण नहीं करते हैं तो कहाँ करेंगे हम? का समस्या ये है कि हमारे सरपंच रुकमणी साहू जी मतलब सर गाँव के द्वारा ग्राम पंचायत नया ग्राम पंचायत निर्माण होना है घास भूमि में, तो कहना चाहिए गाँव के एक आदमी जो है बार बार बाधा पहुँचा रहा है। वैसे पूरी दस्तावेज जो है सिस्टम से हुआ है, तहसीलदार के आदेश से भूमि का चयन किया गया, उसके बाद में आदेश के अनुसार से कार्य शुरू किया गया। कार्य शुरू हुए 3 माह, ऐसा जैसे 3 माह हो गया है, 2 बार कालम गड्ढा का खुदाई हुआ और 2 बार हो गया है कि रिखी राम साहू पिता राम जी जो निर्माण किया जा रहा है वो घास जमीन पे किया जा रहा है, तो इसके रोक लगाई है।